नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से महायुति की जो सीटें आई हैं उसको लेकर विपक्ष को नतीजे पच नहीं रहे थे। इन चुनाव नतीजों को लेकर विपक्ष ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इन नतीजों को लेकर सबसे बड़ा स्टैंड ले लिया है, क्योंकि बीजेपी के जिस तरह से महाराष्ट्र में सीटें आई हैं उससे शिवसेना समेत समूचा विपक्ष इन नतीजों को हजम नहीं कर पा रहा है। इन नतीजों को लेकर के कांग्रेस ने भी कल बड़ा ऐलान किया। हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में साफ कह दिया है कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट से चुनाव चाहिए। खड़गे के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले में बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद अब महाराष्ट्र में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा और इसको लेकर के सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो कोई और नहीं है बल्कि बीजेपी है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर के शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ने ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था। इसी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्र पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। मतलब साफ है कि जब पार्टी के प्रमुख का ऐलान हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि अब ये मुद्दा कहां तक जाएगा। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी पराजित उम्मीदवारों को आदेश दिया है कि जिन पोलिंग बूथ पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की दोबारा गिनती करने की याचिका जल्द दायर करें। ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा, इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक एक घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं और इतने नीचे, क्या ये पॉसिबल है? दरअसल एक नियम है कि मतगणना के बाद नियम के तहत चुनाव में हारा हुआ उम्मीदवार नतीजों के 6 दिन के अंदर 5% वीवीपैट के रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। नतीजे आए, आज सिर्फ 4 दिन हुए हैं और आज ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं, विजय विधायकों और हारे हुए सभी प्रत्याशियों के साथ मातोश्री पर बैठक करेंगे और इसी बैठक के बाद आज भी सभी जो हैं वो हारे हुए प्रत्याशी दोबारा से काउंटिंग की मांग करेंगे। दरअसल माना ये जा रहा है कि अगर इस रिकाउंटिंग में पार्टियों को जरा भी घपला लगा या फिर वोटों का अंतर दिखा तो फिर पार्टी महाराष्ट्र के लिए ये जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा और फिर ऐसे में ये जो चुनाव नतीजे आए हैं वो सवालों के घेरे में आ जाएंगे और फिर सूत्रों के हवाले से जो बात निकल कर सामने आ रही है कि ऐसी परिस्थिति में उद्धव ठाकरे दोबारा चुनाव कराने की मांग कर सकते हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के सभी नेता इस जनादेश को पहचान नहीं पा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी ठाकरे ने मुंबई स्थित अपने आवास पर बैठक बुलाई थी और उसमें चुनाव में हार को लेकर समीक्षा की थी। बैठक में शामिल एक पूर्व विधायक ने बताया कि चुनाव में हार का सामना करने वाले कुछ विधायकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली पर संदेह है। उनको लगता है कि ये जो नतीजे आए हैं ये जनादेश नहीं बल्कि कुछ और ही खेल है। हालांकि ठाकरे ने पार्टी नेताओं से उम्मीद ना खोने और पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए काम करने की अपील की है। उन्होंने एक दिन पहले पार्टी के विजय विधायकों से मुलाकात की थी। शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का घटक है। ठाकरे ने 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 97 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 20 उम्मीदवार ही विजयी हो पाए हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को पार्टी विधायकों की बैठक में शिवसेना यूबीटी विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने हालिया राज्य विधानसभा चुनाव में वरली निर्वाचन क्षेत्र से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मिलिंद देवरा को 8,801 वोटों से हराया था।
पार्टी के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना। वहीं महाराष्ट्र में दूसरी तरफ चुनाव में महायुति को क्लियर मैंडेट मिलने के बाद भी सरकार बनाने की कवायद जो चल रही है वो बन नहीं पा रही है। बीजेपी एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इसको लेकर के हामी नहीं भर पा रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में इन दिनों जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान मची हुई है। हालांकि महायुति के नेता इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल इसका खुलासा कर दिया आरपीआई एक नेता रामदास अठावले ने। रामदास अठावले ने साफ कह दिया है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे में जबरदस्त तरीके से खींचतान मची हुई है, शिंदे मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर बिना किसी देरी के फैसला कर लेने चाहने मुख्यमंत्री की रेस में शिंदे और फडणवीस के नाम की चर्चा पर उन्होंने सुझाव दिया कि एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र में लाया जाना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया और कहा कि भाजपा ने 288 सदस्य विधानसभा में अधिकतम सीट जीती हैं और राज्य में मुख्यमंत्री पद पर उनका जो अधिकार है वही होना चाहिए। आप खुद सुनिए कि रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुत बड़ी सफलता मिली है और उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी का योगदान तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने बहुत सारी सभाएं ली और इसीलिए मतलब विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव लड़े थे, इसीलिए हमको बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी डेडलॉक जो है अभी मतलब खड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का हाई कमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नाराज हो गए हैं, तो उनका नाराज होना समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकलना चाहिए। या फिर मेरा मत ऐसा है कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को कोई बीजेपी ने ऐसा शब्द नहीं दिया था कि भाई आपको आगे भी आपको मुख्यमंत्री बनाएगी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालने के लिए तीनों नेताओं ने एक साथ बैठना चाहिए और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब इसमें थोड़ा इंटरफेयर करके इसमें जो मार्ग निकालने की आवश्यकता है। तो समझिए कि महाराष्ट्र की स्थिति कितनी दयनीय है। एक तरफ जहां विपक्षी रिकाउंटिंग की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ महायुति में सीएम पद को लेकर के जबरदस्त खींचतान मची है। बीजेपी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो वहीं एकनाथ शिंदे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। शिंदे खुद मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। दोनों पार्टियों में सीएम पद के लिए चल रही खींचतान को लेकर के जमकर के खींचतान मची हुई है और हालात ये हो गए हैं कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी महायुति सीएम पद के लिए उम्मीदवार का चयन नहीं कर पा रही है। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। आप जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वह लॉ अफसर होन, चाहे वह फोरेंसिक दे होन, चाहे होर जांच दे अधिकारी होन, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें।